ओह यार भाई साहब, क्या मतलब सरस्वती जी को बना दिया है। सो हेलो, वेलकम बैक, नमस्कार और जय श्री राम। मेरा नाम है प्रियांशु एंड स्वागत है आपका एक न्यू ब्लॉग में, एक न्यू ऐसी जर्नी के साथ जिसको आपने मुझे नहीं पता था कि कोलकाता में जैसे दुर्गा पूजा फेमस है और मेरे यहाँ काकीनाड़ा में जैसे गणेश पूजा फेमस है ना, वैसे ही एक पूजा फेमस है मगरा और अंबिका कालना के साइड। और आज अभी मैं खड़ा हूँ मगरा स्टेशन पे, और यहाँ मगरा स्टेशन से हम जाएंगे बाहर की तरफ और फर्स्ट टाइम लाइफ में मैं एक्सपीरियंस करने वाला हूँ सरस्वती पूजा का। जो यहाँ पर टूर है ना, मैं फर्स्ट टाइम यहाँ करने आया हूँ और आप लोगों के साथ मैंने सोचा शेयर कर दूँ इस चीज़ों को। तो चलिए ब्लॉग में आगे बने रहने, और चैनल पर अगर न्यू हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन दबाना मत भूलना, इससे मेरी न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको जल्दी से जल्दी मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा जो पहला पांडाल हमें कालना, जो मगरा स्टेशन है, मगरा स्टेशन वहाँ से उतर के हम जब राइट साइड आते हैं तो ये रास्ता था जिस रास्ते से हम लोग आ रहे हैं, और यहाँ पे हमें पहला पांडाल देखने को मिला। आगे चलिए देखते हैं पांडाल का क्या थीम है, क्या क्या हमें अच्छा देखने को मिलता है। और ये पांडाल का थीम है गुजरात का नारायण मंदिर, जो कि कोला अग्रदूत संघ द्वारा बनाया गया है। चलिए यहाँ आगे पांडाल को देखते हैं। ये रहा वो पांडाल, ये गुजरात का नारायण मंदिर है जिसका थीम यहाँ पर अपनाया गया है। ये रहा वो पांडाल, और पांडाल के आगे बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियों के डिजाइन लगाए गए हैं, और यहाँ पर ब्लैक डे के लिए एक फ़ोटो भी रखा गया है। बुद्ध भगवान के जो मूर्तियाँ होती हैं, स्टैचूज होती हैं, वो सारी चीज़ें लगाई गई हैं। और यहाँ अंदर में अब हमें देखने को मिलता है सरस्वती जी का वो मूर्ति, एक बड़ा सा मूर्ति यहाँ पर, क्योंकि माना जाता है ना मगरा और कालना यानी अंबिका कालना, ये दोनों जगह ऐसी है ना जहाँ पर सरस्वती पूजा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, हद से ज़्यादा जो बोलते हैं ना लोग, मतलब जैसे कोलकाता के लिए दुर्गा पूजा मानते हैं वैसा ही मगरा के लिए सरस्वती पूजा है। वो जो पांडाल मैंने अभी आपको दिखाया वो गुजरात का था नारायण मंदिर, जो कि बहुत ही आकर्षक बनाया गया था। एक पालता में जब दुर्गा पूजा हुआ था ना, उस टाइम में ना मैंने वहाँ पर जो पांडाल देखा था सेम उसी के जैसा इस थीम को मतलब बनाया गया था, लेकिन वो था कर्नाटक का कृष्ण मंदिर और ये था गुजरात का नारायण मंदिर। तो आगे अभी और चलते हैं। ये लाइट्स की सारी डेकोरेशन, जो गेट्स होती है ना, गेट्स सारी लगाई हुई हैं, और गेट्स लगी हुई हैं तो जब शाम होगी ना तो ये गेट्स देखने लायक होंगे। अभी हमें दिन के टाइम लगभग हम 4 से 5 बजे के लगभग आए हैं, तो फिर भी अभी लाइट्स जली नहीं है, शायद शाम हो और हम आपको लाइट दिखा पाएँ, ये सही होगा। ये रहा एक दूसरा पांडाल, जो हम मगरा स्टेशन से उतरने के बाद हमें दूसरा पांडाल जो देखने को मिला है वो है अग्रगामी संघ के द्वारा बनाया गया। नाम क्या है इस पांडाल का, थाईलैंड बुद्ध मंदिर, जी हाँ, मतलब पैगोडा मंदिर जो बोला जाता है उसके तरह, लेकिन इसमें चेंजेस क्या है, ये सारे हमारे बुद्ध भगवान, ब्रह्मा जी, और वहाँ पर आपको शंकर जी देखने को मिलेंगे, सबसे बीच में आपको विष्णु जी देखने को मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा मंदिर थाईलैंड का पैगोडा मंदिर का यानी बुद्ध मंदिर का थीम लिया गया है। तो चलिए अंदर की तरफ चलते हैं और देखते हैं अंदर की मूर्तियां हमें कितनी आकर्षक देखने को मिलती हैं। जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर बनाया गया है थाईलैंड का बुद्ध मंदिर, लेकिन अंदर में जो कृष्ण जी की सारी प्रतिमाएं जो स्ट्रक्चर्स टाइप की बनाई गई है ना, वो काफ़ी देखने लायक है और काफ़ी आकर्षक है। जैसे यहाँ कृष्ण जी और राधा जी को दर्शाया गया है, मान के चलिए हम मानते हैं कि ये यमुना किनारे बैठ के कृष्ण जी का जो लीलाएँ थी वो करते हुए एक तस्वीर है। और उसके बाद यहाँ पर एंट्रेंस वो था, ये एग्जिट था, बट ये देखिए आप सारी की सारी तस्वीरें देखते हैं, यहाँ से बस कृष्ण जी का जो बांसुरी है ना, किसी ने बांसुरी झाड़ दिया,
बाकी कृष्ण जी को अच्छे से स्ट्रक्चर करा गया है। ये जैसे कि मैंने बताया था बुद्ध मंदिर है, लेकिन अंदर में कृष्ण जी और बाहर में हमारे हिंदू देवता, सभी हिंदू देवता जो ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों की तस्वीरें लगाई गई थी, मूर्तियाँ लगाई गई थी। और सरस्वती माँ की जो मूर्ति है ना, काफ़ी देखने लायक है। जैसे कि आप देख ही सकते हो, ये आपने सरस्वती माँ की इतनी अच्छे से डिटेलिंग करी हुई मूर्ति, इतनी बड़ी मूर्तियाँ कभी नहीं देखी होंगी। जैसे दुर्गा पूजा कोलकाता के लिए फेमस है, वैसे ही जैसे मैंने बताया था कि मगरा और कालना के लिए सरस्वती पूजा प्रसिद्ध है। ये जो अभी पांडाल दिख रही है ना आपको, ये मुझे देखते ही याद आ गया नहटी का काली पूजा। नहटी काली पूजा में काठगोला मोड़ पे जो पांडाल बना था ना, राजस्थान का कोई महल ही है जिसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, उसका लिंक उस वीडियो का आई बटन पे दिख रहा होगा, वहां से आप इजीली देख सकते हो। सेम यही पांडाल, शायद इसका नाम शीश महल रखा गया था, ये याद नहीं आ रहा है। हाँ, अब ये चीज़ वो वीडियो आप देखोगे ना तो आपको क्लियरली समझ आएगा कि यार हाँ सेम पांडाल है, सेम चीज़ है। सो देखें अंदर, हमें बाहर से तो सेम देखने को मिला, अब अंदर देखते हैं कि क्या है, हमें पांडाल में चेंजेस देखने को मिलते हैं या पांडाल हमें सेम ही देखने को मिलती हैं। यार पूरा सेम, ये देखिए। अंदर में पूरा का पूरा हमें देखने को जो लुक मिल रहा है ना इंटीरियर, वो शीश महल के जैसा लग रहा है। चारों तरफ कांचे हैं, कांचों का मतलब मिरर्स का वो आर्टवर्क जो देखने को मिला है, और ऊपर में हमें देखने को मिल रहा है ये सारी चीज़ें जो कि एक कपड़े जो होते हैं ना, वो कपड़ों को लटकाया गया और उसको लाइट के द्वारा उकेरा गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। और ये झूमर देखो, झूमर भी एक पीस का लग रहा है ऐसा है। और सरस्वती माँ को यहाँ पर पूरा तरह से राजस्थानी लुक में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। सरस्वती जी राजस्थान से आ गए यहाँ पर, और बहुत ही अच्छा भी लग रहा है। ऐसा नहीं है कि मूर्ति अच्छा नहीं लग रही है, आँखें तो इतनी गजब लग रही है, कुछ कहा नहीं जा सकता आपको। यार भाई साहब, क्या मतलब सरस्वती जी को बना दिया है। देखो आप सरस्वती जी की मूर्ति को देखो जरा, सरस्वती माँ की मूर्ति क्या खतरनाक लग रही है। बस हाथ में बीना की जगह कुछ अब बतख का ही, अरे यार बतख का मुंह लगाया हुआ है, नीचे ही बतख है, ऊपर भी बतख है, बतख का मुंह लगा हुआ है देखिए ऊपर में। हाँ कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ये मूर्ति बस वीणा की जगह चेंज करा गया है, किसी यंत्र को, किसी वादक यंत्र को दिया गया सरस्वती जी का हाथ में। और जैसा कि माना जाता है सरस्वती माँ हमारे मतलब जैसे एक शिक्षा की देवी, संगीत की देवी, ये सारी चीज़ों की देवी हैं। और ये एक ऐसी देवी है ना, इसके बिना कुछ जो भी भाषाएं होती हैं, जो भी चीज़ें होती है उसको बोलना नामुमकिन है। संगीत इनका ही मतलब प्रारूप है, और इन्हीं से लोग इनको अपनी देवी मानते हैं, इनको अपनी माँ मानते हैं जो संगीत सीखते हैं। मगरा घूमते घूमते अभी मेरा लगभग 1.5 से 2 घंटा हो चुका है टाइम, और अभी हम पहुँचे हैं मगरा स्टेशन के वही ओपोजिट के साइड में ही हैं हम। और हमें देखने को मिला है एक ऐसा पांडाल जो कि दिखने में मायापुर इस्कॉन जैसा लग रहा है दूर से, वहाँ पे है सामने में। अब दूर से तो हमें समझ नहीं आ रहा है कि क्या थीम्स हैं, अब आगे जाके देखते हैं और आपको बताते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है इस पंडाल का। वैसे लोगों की भीड़ तो बहुत है, उस पंडाल से निकलकर लोगों की भीड़ बहुत आ रही है। अब पंडाल देखने के बाद पता चलेगा कि ऐसा है।
अब यहाँ की पंडाले मैंने देखी, बहुत ही अच्छी लग भी रही है। वैसे सरस्वती पूजा में सच में माना जाए तो होता है ना दुर्गा पूजा के जैसा, कोलकाता में जैसे सजाया जा रहा है और सजाया जाता है, वैसा ही कुछ यहाँ पर भी सिचुएशंस हैं। वो रहा वो पंडाल जो दिख रहा है हमें। अब सामने से देखने में समझ आया है कि ये पंडाल का जो थीम है ना, ये जो दिल्ली में स्वामी नारायण टेम्पल यानी अक्षरधाम जो मंदिर है उस थीम पर बनाया गया है। जी हाँ, वो जो अक्षरधाम टेम्पल BAPS के द्वारा बनवाया गया है दिल्ली में, वही टेम्पल है। दिल्ली में टूरिज्म का लगभग 40% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इसी टेम्पल का है, और यहाँ पर भी हमको लग रहा है इसका ही है टूरिज्म। क्या मतलब पंडाल की जो लुक करी गई है ना, क्या करी गई है, फोम से पूरी की पूरी कारीगरी करी गई है। और सामने में छोटा सा मेला बैठाया गया है। अंदर की साइड चलते हैं, हमें पंडाल तो सामने से बहुत भव्य दिखा, अब अंदर की साइड हमें देखते हैं कैसा मूर्तियाँ, कैसी सरस्वती माँ की हमें देखने को मिलती हैं। बहुत ही बारीकी से काम किया गया है और यहाँ टिकटॉक का काम चल रहा है। गुंबद, अच्छा ऊपर से जो गुंबद दिख रहा है वो नहीं, नीचे में थोड़ा सा अलग है, झूमर बड़ा सा एक लगा हुआ है और अंदर से फोम की सारी कारीगरियाँ करी गई हैं। और जैसे हमारे स्कल्पचर्स जो बोले जाते हैं, जो मूर्तियाँ जो पुराने हमारे एंसेंट मूर्तियों के जैसे मतलब मंदिरों में जो मूर्तियाँ दिखती है, वैसे कुछ मूर्तियाँ यहाँ पर है। और भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ हैं और ये शायद नृत्यकाएँ हैं। उसके बाद हमें जो सरस्वती माँ की मूर्ति जो दिख रही है, बहुत ही अच्छी साइन कर रही है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में मूर्ति। और ये क्या है, गुरुकुल विद्यासागर, वर्ण परिचय प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक विद्यालय, रोगी स्वास्थ्य केंद्र नहीं जाते। इस पंडाल से, अक्षरधाम वाले जो पंडाल से हम जब निकले हैं, यहाँ पर बहुत ही अच्छा खासा एक मेला लगा हुआ है। मेला बहुत ही बड़ा है, उतना भी बड़ा नहीं लेकिन उतना भी छोटा नहीं। आपको हर स्ट्रीट फूड्स की दुकानें, कुछ कान वाली मतलब जो आपकी कॉस्मेटिक्स की दुकानें होती हैं, वो हर चीज़ें आपको देखने को यहाँ पर मिल रही हैं पंडाल के सामने। मतलब मेला नॉर्मली ऑर्गेनाइज किया गया, जो कि अच्छा भी लग रहा है देखने में। और सो चलो अब आगे कुछ पंडाले देखिए जो हमें दिखती हैं, वो हम आपको भी एक्सपीरियंस करवाते हैं। लगभग 2-3 घंटे भ्रमण करते घूमते घूमते मेरे हो चुके हैं, और अभी तक का मुझे सबसे टॉप पंडाल जो दिखा है ना, उसके जैसा मतलब पंडाल अभी तक मैंने मगरा में नहीं देखा था। और ये सामने जो पंडाल बनाया गया है ना, कहने लायक नहीं है। आप खुद देखो सामने अभी स्क्रीन पर, ये पंडाल जागरणी संघ द्वारा बनाया गया है। इसके जैसा सेम पंडाल ना दुर्गा पूजा के टाइम में मेरे यहाँ जगदल में गोलघर जो है, गोलघर पार्क के पास बनाया गया था। और उस ये जो थीम है ना, ये कंफर्म मैं बोल सकता हूँ लंदन का स्वामीनारायण टेम्पल है, जिसको रियली में कलर अगर इसको जो गोल्डन करा हुआ है उसको अगर ब्लू कर दिया जाए और जो वाइट है उसको वैसे ही छोड़ दिया जाए ना, क्या ये पंडाल लगेगा ना, क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन ये पंडाल जिस हिसाब से बनाया गया है ये भी कोई कम नहीं है। अब इसकी भव्यता देखो, लगभग इसकी ऊंचाई 50-60 फुट तक है और चौड़ाई भी उतनी ही है। और जो पंडाल की भव्यता देखने में लग रही है ना, लग रहा है कि इंसान यार बैरिकेडिंग अगर ऐसे बांस खोल दिए जाए, लोग सच में चढ़ के अंदर देव के दर्शन कर लेंगे, देवताओं के दर्शन कर लेंगे। इतने अच्छे तरीके से इसको दर्शाया गया है, इतने अच्छे तरीके से इसको रियलिस्टिक बनाया गया है। कि पंडाल के बाहर से तो पंडाल की भव्यता हमने बता दी, लेकिन अब पंडाल के अंदर एंट्री करते हैं और हमें देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है पंडाल के अंदर से, किस तरीके से इसके इंटीरियर को दर्शाया गया है। अब ये भी देखने लायक होगी, क्योंकि बाहर से जो भव्यता है वो तो कहने लायक है।
यार मानना पड़ेगा अभी तक मगरा में जो मैंने घूमा तो इसमें से दो पंडालें मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, जो एक अक्षरधाम यानी कि दिल्ली का स्वामी नारायण मंदिर और ये एक लंदन का स्वामी नारायण मंदिर। थीम अब जो भी हो मैंने उसे भी बना दिया क्योंकि ये मुझे पता था कि ये लंदन का स्वामी नारायण मंदिर ही है, इसीलिए क्योंकि हर जगह मैं पंडालों की देख रहा हूँ, थीम्स की जानकारी कहीं नहीं दी गई है, यहाँ बहुत कम ही जगह पर दी गई है। पंडाल के अंदर घुसने पर अब हमें क्या देखने को मिला, यहाँ लाइट्स और आर्टवर्क का जो कॉम्बिनेशन रखा गया है कुछ कहने लायक है। ऊपर में देखो झूमर, देखो आप कितना बड़ा है, और उसके बाद जो ये आर्टवर्क करा गया है ना टोटली हैंडमेड ही है, कोई बातें ऐसी नहीं है कि सारी मशीन से बनाई हुई है, और ये सारी चीज़ें जो आर्टवर्क में लगाई गई हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात, सरस्वती माँ को देखो जरा, डेकोरेटिंग देखो उनका, उनको किस तरीके से सजाया गया है ये देखो, आप साड़ी देख सकते हो पूरा रियल लग रहा है, कपड़ा मतलब ऐसे पहनाया गया है, और ये जो मतलब कि वीणा जो है ना, वीणा कुछ और ही कहाँ नहीं जा सकता, पूरा रियल दोनों की दोनों चीज़ें लग रही है। और साइड में दो मतलब आर्टवर्क जो करा गया है, मिट्टी का जो पुतला बनाया गया है इसमें वो पीतल का लोटा रखा गया है, और इनका बत्तख को देखो, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा है देखने में।